Now, come to the next part of the lesson. Heavy rain started again. दोबारा से तेज बारिश शुरू हो गई. By then, his master had reached Ambalpuza at night. तब तक मास्टर जो था, चेना प्राया जो था, रात तक अम्बलपूजा पहुंच चुका था. A huge crocodile came near the house. एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल घर के नज़दीक आया. The dog lowered his tail in fear and started barking. डॉग ने डर में अपने टेल को नीचे किया और बार्किंग स्टार्ट की. But the crocodile just went away. पर जो क्रोकोडाइल था वो चला गया. The hungry dog howled from rooftop, looking out into the dark and cloudy sky. Hungry dog जो था डार्क और क्लाउडी स्काई में रूफ टॉप से ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था. Howled means ज़ोर ज़ोर से भौंकना. His cries reached places far off. उसकी क्राइज जो थी, चीखने की आवाज़ें जो थी, दूर दूर जगह तक पहुँची. And those who were still guarding their houses must have said. और जो वो लोग जो अभी तक अपने घर की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने कहा, ओ यू अ डॉग इज़ लेफ्ट अलोन ऑन द हाउस टॉप. ओ यू देखिए कि एक घर के टॉप पर डॉग अकेला रह गया है. द डॉग क्राइड आउट कॉन्टीन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम. डॉग जो था लगातार लंबे समय तक कॉन्टीन्यूसली वो क्राइंग करता रहा. देन ही वॉज टू टायर्ड टू क्राई. फिर वो इतना थक गया कि उससे क्राइंग भी नहीं हुई. मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था. फ्रॉम सम हाउस इन नॉर्थ डायरेक्शन से किसी घर से अ मैन वॉज चांटिंग द रामायण. एक आदमी रामायण के भजन गा रहा था. फॉर सम टाइम द डॉग टर्न्ड टुवार्ड्स अ साउंड एज इफ ही वॉज लिसनिंग टू द चांट. कुछ समय के लिए डॉग जो था वो साउंड की तरफ टर्न किया, जैसे कि वो उन भजनों को सुन रहा हो. अगेन ही स्टार्टेड क्राइंग. फिर से उसने क्राइंग स्टार्ट की. सून नथिंग कुड बी हियर्ड एक्सेप्ट द रोर ऑफ द विंड एंड द साउंड ऑफ द वेव्स. जल्दी ही विंड की रोर के अलावा और वेव्स की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम था. द डॉग स्टार्टेड ग्रोनिंग मीन्स दर्द से चिल्लाना. फ्रॉग्स स्टार्टेड लुकिंग एट हिम अमेज्ड. फ्रॉग्स ने उसकी तरफ हैरानी से देखा. ही लुक्ड एट द थैच्ड रूफ. थैच मीन्स जो टूटी हुई छत थी, उसने उसकी तरफ देखा. दे वर हिज ओनली होप. यही सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद थी. नो फायर बर्न्ड एनीवेयर. किसी तरफ कोई आग नहीं चल रही थी. फ्लीज बिट हिम एंड ही ड्रोव देम अवे विद हिज पास. फ्लीज बेटा क्या होते हैं? विंगलेस ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. मीन्स कि बिना पंखों के खून को चूसने वाले इंसेक्ट. वो उसे लगातार काट रहे थे और वो ही मीन्स डॉग जो है अपने पंजों के साथ उन्हें उड़ा रहा था. द सन शोन फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए सूरज चमका. ही डोज्ड ऑफ इन सनलाइट. उसने सनलाइट में एक चपकी ली. मीन्स कि हल्की नींद में वो सो गया. ही जंप्ड एंड बार्क्ड व्हेन ही सॉ द शैडो ऑफ बनाना लीफ ऑन द रूफ टॉप. जब उसने रूफ टॉप पर बनाना लीफ की परछाई देखी तो वो जंप करके उठा और वो पार्किंग उसने स्टार्ट की. देन द क्लाउड्स अपीयर्ड. फिर बादल आ गए, बादल दिखाई दिए. इट वॉज डार्क वंस मोर. एक बार फिर से अंधेरा छा गया. द विंग स्टियर्ड द वाटर. हवा ने पानी को हिलाना शुरू किया. स्टियर्ड मीन्स हिलाना. द कारकसेस ऑफ द एनिमल्स फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स. एनिमल्स की जो कारकसेस मीन्स डेड बॉडीज थी, वो वेव्स में इधर उधर फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी. द डॉग लुक्ड एट देम लॉन्गिंगली. डॉग जो था उनकी तरफ देख रहा था. अ स्मॉल बोट वॉज मूविंग फास्ट अ लिटल अवे फ्रॉम द हाउस. एक स्मॉल बोट जो थी वो तेज़ी से घर के आगे से निकली. द डॉग सा इट एंड स्टूड अप. डॉग ने इसे देखा और खड़ा हो गया. वैगिंग हिज टेल. वैगिंग मीन्स हिलाना. उसने अपने टेल को हिलाया. ही वॉच्ड टिल इट डिसअपियर्ड. वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो डिसअपियर मीन्स कि उसकी आंखों से दूर नहीं हो गई. इट स्टार्टेड ग्रिजलिंग अगेन. द
दोबारा से हल्की बारिश शुरू हुई. ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी. द डॉग स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स. डॉग जो था अपने हिंड मीन्स बैक लेग्स के ऊपर खड़ा हो गया. ही लुक्ड हेल्पलेस. वो बहुत ही हेल्पलेस दिखाई दे रहा था. द ड्रिजल स्टॉप्ड. बूंदाबांदी रुक गई. अ स्मॉल वे बोट केम फ्रॉम द हाउस इन द नॉर्थ एंड स्टॉप्ड एट द कोकोनट ट्री. एक स्मॉल बोट जो थी हाउस की तरफ आई. केम फ्रॉम द हाउस इन द नॉर्थ. नॉर्थ से आई एंड स्टॉप्ड एट द कोकोनट ट्री. और वो कोकोनट ट्री के पास आकर रुक गई. द डॉग वैग्ड हिज टेल. डॉग ने अपनी टेल को हिलाया. एंड मेड नॉइसेस. और उसने आवाज़ें करने शुरू की. द बोट मैन पिक्ड अप अ कोकोनट फ्रॉम द ट्री. बोट मैन ने पेड़ से एक कोकोनट उखाड़ा या तोड़ा. ब्रोक इट. फिर उसे तोड़ दिया. एंड ड्रैंक इट्स जूस. और उसका जूस पी लिया. ही देन रोड ऑफ. रोड ऑफ मीन्स मूव्ड अवे. वो वहाँ से चला गया. द क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री एट अ डिस्टेंस फ्लू डाउन ऑन द कार्कस ऑफ अ ह्यूज बुल. एक क्रो जो कि एक पेड़ पर बैठा था कुछ डिस्टेंस पर, वो उड़कर नीचे आया और एक ह्यूज मीन्स बिग बुल की डेड बॉडी के ऊपर बैठ गया. इवन एज अ डॉग वॉज बार्किंग एट इट. जबकि डॉग इस पर बार्किंग कर रहा था, इस क्रो पर भौंक रहा था. द क्रो स्टार्टेड ईटिंग द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल. क्रो ने डेड एनिमल का मांस खाना स्टार्ट किया. इट टुक नो नोटिस ऑफ द डॉग. इट मीन्स क्रो. क्रो ने डॉग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. आफ्टर सम टाइम इट फ्ल्यू अवे. कुछ समय के बाद वो उड़ गया. इन द आफ्टरनून टू मैन केम दैट वे इन अ स्मॉल बोट. आफ्टरनून के टाइम दो आदमी एक स्मॉल बोट में उस रास्ते पर आए. द डॉग बार्क ग्रेटफुली. डॉग उन पर ग्रेटफुली बार्किंग करने लगा. मीन्स कि जैसे किसी उनको थैंकफुल कह रहा हो, क्योंकि डॉग को लगा कि वो उसे बचाने के लिए आए हैं. तो डॉग उन पर ग्रेटफुली बार्किंग स्टार्ट करता है. एंड वैग्ड हिज टेल. और अपनी टेल हिलाता है. ही वॉन्टेड टू गेट इन टू द बोट. वो बोट पर चढ़ जाना चाहता था. सी देयर इज़ अ डॉग सेड वन ऑफ देम. उनमें से एक ने कहा, जो बोटमैन थे, दो थे, उनमें से एक ने कहा कि देखो यहाँ पर डॉग है. द डॉग मॉन्ड. डॉग जो था वो दर्द से कराहने लगता है.